आनंद और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम ट्रिक्स का डेली अपडेट्स। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस को लेके कुछ जो नई अपडेट्स और नई गाइडलाइंस आई हैं जो अमेरिका द्वारा इशू की गई हैं अपने स्टूडेंट्स को लेके। तो आज यहाँ पे क्या हुआ है कि जो इंडिया जो कोविड क्राइसिस है तो यूएस ने अपने सारे स्टूडेंट्स को एक एडवाइस किया है, ट्रेवल एडवाइस है, और जो यहाँ पे रुके हुए हैं उनके लिए भी एक एडवाइस है टू लीव द कंट्री इमीडिएट बेसिस जस्ट बिकॉज ऑफ कि कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अमेरिकी गवर्नमेंट का कहना है कि अमेरिकी सरकार का ये सोचना है कि जो है भारत सरकार कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के केसेस को हैंडल करने में फेल हो रही है, और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं जो बेसिक नीड्स होती हैं हॉस्पिटल, जैसे ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर वगैरह, तो इन सभी को जो है प्रोवाइड करने में भी भारत सरकार कहीं ना कहीं नाकाम हो रही है। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या है कि जो अमेरिकी सरकार है वो चाहती है कि अपने जो उनके नागरिक हैं वो सुरक्षित रहें, इसलिए उन्होंने जो है उनसे अनुरोध किया है कि वो भारत छोड़ दें। जो भी मौजूदा जो फ्लाइट्स चल रही हैं वो उनसे जो है ट्रेवल करें बैक टू यूएसए। और इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये कि इंडिया में हाल ही में जो है सबसे ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, 379,257, ऑलमोस्ट इसे कह सकते हैं 380,000। बहुत बड़ा डिफरेंस है, नहीं बचा नहीं है अब इसमें। तो ये जो केसेस हैं ये आज के केसेस हैं और ये बहुत बड़ा नंबर है। ये दुनिया में आज तक इस एक दिन में इससे ज़्यादा मामले पूरी दुनिया में कहीं नहीं रहे। तो आज की डेट में हिंदुस्तान में अपने देश में कोरोना वायरस जो है एक से एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। पेशेंट्स के मामले में हमारे यहाँ जो नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, क्योंकि अब हम लोगों ने क्या हुआ कि जब कोरोना वायरस की फर्स्ट वेव जो है डाउनफॉल पे थी अपनी, तो हम लोगों ने लापरवाही बहुत बरती, तो यहाँ पर उसी का नतीजा देख रहे हैं कि आज जो है लगभग 380,000 केसेस आ जाए हैं। और यहाँ पर जो है यूएस एम्बेसी ने जो है वॉर्न किया है टू एक्सेस ऑल टाइप ऑफ मेडिकल केयर इज बिकमिंग सीवियरली लिमिटेड, कि उन्होंने ये बोला है, उनका जो मोटिव था ये बात बोलने का, उन्होंने कहा था कि 380,000 केसेस आए हैं, ये केसेस अभी और बढ़ेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जो मेडिकल जो फैसिलिटीज़ होती हैं जो एक्सेस करने के लिए, जब जैसे हॉस्पिटल हुआ, डॉक्टर्स हुआ, डॉक्टर की एडवाइस हुई, या मेडिसिन हुई, ऑक्सीजन हुआ, वेंटिलेटर हुआ, तो जो भी मतलब स्वास्थ्य संबंधी जो भी बेसिक नीड्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होने जा रही हैं सभी के लिए। तो ऐसी कंडीशन में यूएस अमेरिका चाहता है अपने सारे जो है नागरिकों को वापस बुला लिया जाए, और इसको लेकर जो है उन्होंने जो है ये बोला है कि जो ये सिचुएशन है ये है पेंडेमिक लेवल 4 की। इसमें जो है हमने जो है डू नॉट ट्रेवल की एडवाइस इशू करते हैं, और ये बहुत ही हाईएस्ट कैटेगरी की है। तो इसके बाद जो है वहाँ पर जो क्या होगा, इसके बाद जो है इंडिया से जो लोग आ रहे हैं अमेरिका से वो नहीं आएंगे, और जो इंडिया में हैं लोग वो भी वापस जाने लगेंगे। और आपको अभी आज बताऊं कि आज जो है हम लोगों ने 2,00,000 का फिगर भी पार कर लिया है। ये कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, ये हमारे लिए एक शर्म की और बेहद दुख और चिंताजनक बात है कि हमारे यहाँ 2,00,000 मौतें केवल कोरोना वायरस से पिछले कुछ समय में हुई हैं। तो ये जो फिगर है ये बहुत ही ज़्यादा है, और ऐसा यूएस की सरकार का मानना है कि जो ये फिगर है एक्चुअल नंबर इनसे बहुत ज़्यादा है। तो इस ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो अमेरिकी सरकार को जो है इस तरीके की एडवाइजरी इशू करनी पड़ी यहाँ के लिए, और डू नॉट ट्रेवल टू इंडिया इस तरीके से आप जैसा देख रहे हैं, और यूएस सिटीजन हु विश टू डिपार्ट इंडिया शुड टेक एडवांटेज टू अवेलेबल कॉमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन नाउ। तो अमेरिका कह रहा है कि जो भी कॉमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है उसको लें और इंडिया छोड़ दें। और सम यूएस सिटीजंस हैव रिपोर्टेड बीइंग डिनाइड एंट्री टू द हॉस्पिटल ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस। उन्होंने ये भी बोला कि हमारे जो कुछ लोग हैं, हमारे जो अमेरिकन नागरिक हैं, वो हॉस्पिटल्स गए थे अलग अलग संबंधी मामलों में, और यहाँ पर उनको जो है बेड नहीं मिला है, उनको मेडिकल अटेंशन नहीं मिली है, इस वजह से भी ये वार्निंग इशू की जा रही है।
और ये वार्निंग जो आई है ऐसे टाइम पे आई है जब जो है व्हाइट हाउस ने अभी जो है आप एक आदेश इशू किया है जिसमें भारत सरकार की मदद करने को लेके, इसमें जो है वो जो सप्लाई कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि एस्ट्राजेनेका की जो डोज है वो जो है 20 मिलियन डोजेस को और प्रोड्यूस करने लायक जो रॉ मटेरियल है उन्होंने भेज दिया है, और साथ ही साथ जो है 100 मिलियन डॉलर की वर्थ की जो है सप्लाई उन्होंने और भेजी है, जिसमें जो है ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट और इस तरीके की जो वेंटिलेटर वगैरह जो चीज़ें हैं मेडिकल सप्लाई वो भेजी है। तो जो है बेहद ही जो है खराब स्थिति है दोस्तों, जैसा कि हम सब देख रहे हैं चारों तरफ रोज जो नए नए जो है आयाम बना रहा है कोरोना, हमारे आसपास पड़ोस में स्थिति बहुत भयावह है। तो जरूरी है जो है हम घर पे रहें, और इस जरूरी खाली समय में घर पे रहने का मतलब ये नहीं कि हम केवल खाली हैं कुछ काम ना करें, नहीं, खाली रहना बहुत ही जो है खतरनाक होता है, इससे अकेलापन होता है। तो बेहतर है कि जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं वो अपनी पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू करें, जो तैयारी करने वाले हैं वो तैयारी करें, जो स्कूलों में पढ़ने वाले हैं बच्चे हैं जो 9th, 10th, 11th, 12th के, वो इस बात में ना रहें कि हम उनके एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए या कैंसिल ना हो जाए या उनको प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन इससे ओवरऑल उनकी ही कैपेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि आप पढ़ें, इसी उद्देश्य से जो है ऑल एग्जाम ट्रिक्स आपके लाया है, बहुत ही कम कीमत पे आपके लिए सारे कोर्सेस यहाँ अवेलेबल कराए जा रहे हैं, चाहे जो है UPSI हो, SSC हो, बैंकिंग, UPTET, CTET, एयरफोर्स, SSC, UPRO, ARO और ISPCS की भी जो तैयारियां हैं वो भी करवाई जा रही हैं बहुत ही कम बहुत ही सस्ते में, और यहाँ पर आपको जो है वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से जो है पढ़ाया जाएगा, जो कि जो भी हमारी जो सिलेक्टेड टीम है इसके द्वारा। और आपको ये भी बता दूं कि हमारे यहाँ जो है जो भी टीम है वो सारी सर की सारी सिलेक्टेड ऑफिसर्स की है, तो हमारे यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है, आपको केवल वही पढ़ाया जाएगा जो पेपर में आए, कोई भी फालतू की चीज़ नहीं, कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कंप्लीट नॉलेज देने के चक्कर में हम आपके पास ऊपर एक और एक्स्ट्रा वर्डन डालें कि वो चीज़ पढ़ने के लिए मजबूर करें जो चीज़ आपके कोर्स से आपकी तैयारी से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, और अगर आप किसी और दूसरे संस्थान से जुड़े हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं और जानना देखना चाहते हैं कि आप में कितनी तैयारी आपकी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी टेस्ट सीरीज भी, बहुत ही कम कीमत उपलब्ध है, जिसके माध्यम से आप ये खुद भी चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।